तो इलेक्ट्रिक पावर एंड हीट पर अगला क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 500 वॉट 100 वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 100 वोल्ट देंगे तो 500 वॉट पावर कंजम्पशन रहेगा, यानी कि 500 जूल पर सेकेंड से वो काम करेगा। ओके आधा करेंगे तो पावर 1/4 हो जाएगा, वी स्क्वायर पे डिपेंड होता है। अब क्या बोला है, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई। बल्ब को, जो बल्ब 100 वोल्ट पे चलने वाला है उसको 200 वोल्ट के सप्लाई पे लगा दिया, अगर 200 वोल्ट मतलब डबल कर दिया ना तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज अगर डबल कर दिया तो पावर कंजम्पशन 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 2000 वॉट, या फिर वो फ्यूज जल जाता है ऐसे केस में। तो ऐसा क्या बोला है, द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट बल्ब डिलीवर्स 500 वॉट। ओके बल्ब ने 500 वॉट डिलीवर करने के लिए उसके साथ रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, तो ये वो बल्ब है जिसको कंजम्पशन करना है कितना, 500 वॉट। ये 500 वॉट तभी कर सकता है जब इसको कितना मिलेगा, 100 वोल्ट, और हमने इसको लगाया कितना वोल्ट है, 200। इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर लगा रहे हैं। तो बताओ 200 में से यहाँ 100 वोल्ट हो गया, तो यहाँ बचा कितना, ऑब्वियसली कितना बचा, 100। मतलब अगर यहाँ वोल्टेज इक्वल डिवाइड होने वाला है तो बल्ब का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि वोल्टेज का डिविजन सेम सेम है। वोल्टेज तभी इक्वल डिवाइड होता है जब रेजिस्टेंस सेम होता है। इसका मतलब आर और आर ऑफ बल्ब क्या रहने वाला है, सेम। अब हमको बल्ब के बारे में क्या पता है, पी मालूम है, वी मालूम है, तो पी क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी फॉर द बल्ब, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी, कितना, 100 का स्क्वायर अपॉन पावर कंजम्पशन, कितना, 500। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 हो। ये तो बहुत आसान है।